अगर आप भी नैनीताल ज़िले में घूमने आ रहे हैं तो आपको भी इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बरसात के दिनों में लगातार नैनीताल समेत सभी पहाड़ी जिलों में बारिश हो रही है। वहीं पहाड़ी से पत्थर गिर सड़कें कई जगहों पर जाम हो गई हैं, तो वहीं कई जगहों पर पेड़ गिरकर सड़कें जाम हैं। फिलहाल प्रशासन द्वारा ये सभी सड़कें ठीक कराई जा रही हैं। वहीं भूस्खलन से पहाड़ की कई सड़कों पर मलबा भी आ गया है। मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है कि कई संवेदनशील जगहों पर भूस्खलन की संभावना बनी हुई है। नैनीताल हाईवे पर कई जगहों पर चट्टानों से पत्थर भी गिर रहे हैं। ऐसे में नैनीताल आने वाले पर्यटकों को इन सभी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। नैनीताल जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। अगर आप भी नैनीताल आ रहे हैं तो नैनीताल जिले का अलर्ट देखकर जरूर नैनीताल जिले में घूमने के लिए आएं। लेकिन बरसात में घर से मौसम विभाग का अलर्ट देखना ना भूलें। इसमें जनरली जब मौसम ख़राब की आशंका होती है तो उससे पूर्व ही हमारे द्वारा जो जहाँ पे सावधानी बरतनी है वहाँ पे 112 की अपने व्हीकल्स और थाने की गाड़ियों के माध्यम से जागरूकता के लिए अनाउंस कराया जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे जो ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से भी हम लोग अलर्ट जारी करते हैं। और जब हैवी रेन पहाड़ की ओर होता है तो हम नीचे से गाड़ियां रोक देते हैं, और जब मौसम शुरू ठीक होता है तो तभी ऊपर जाने के लिए अनुमति करते हैं। कहो सबसे पहले तो ये कि आप एक बार वेदर फोरकास्ट ज़रूर चेक करें। अगर रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम आप ट्रैवल करें। अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप इस तरह से प्लान करें कि आप बहुत ऐसे एरिया में न जाएं जहाँ पे कि सड़कों की स्थिति सही ना हो। इसके अलावा सभी लोगों को हम अपने स्तर से भी अवेयर कर रहे हैं कि खासकर ऐसी जगह जहाँ रपटे हैं या जहाँ पे लैंडस्लाइड जोन है, वहाँ पे जब भी आप जा रहे हैं तो सावधानी से जाएं। यदि पुलिस के द्वारा कोई अलर्ट किया था तो आप उसका पूर्ण रूप से अनुपालन करें। नैनीताल ज़िले में घूमने आ रहे हैं तो मौसम विभाग का अलर्ट ज़रूर देख लें। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 लोकल के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।